चलिए एक्सरे स्पेक्ट्रम का एक फिगर बनाएंगे हम लोग। एक्सरे स्पेक्ट्रम, और हम लोग उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे देखेंगे, ठीक है। कंटिन्यूअस एक्सरे देख चुके हैं हम लोग, कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे देखना बाकी है। बहुत ही सिंपल सा फिगर है, ये हो गया इंटेंसिटी, ये वेवलेंथ हो गया, और के सीरीज, एल सीरीज, के बीटा, के अल्फा, एल अल्फा, एल बीटा, एल गामा। लेमडा मिनिमम, ये एक्सरे स्पेक्ट्रम हो गया। एक्सरे स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ ब्रॉड कंटिन्यूअस बैंड विथ सीरीज ऑफ शार्प लाइन, ठीक है। तो सीरीज ऑफ शार्प लाइन भी है इसमें, तो इसको इसके नीचे लिख दीजिएगा। अब हम लोग आ जाते हैं एक्सरे स्पेक्ट्रम के बाद कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे। लिखना स्टार्ट करते हैं। हेयर इन द अबव फिगर वी सी द कंटिन्यूअस एक्सरे बैंड, कंटिन्यूअस एक्सरे बैंड विथ शार्प लाइन्स, विथ शार्प लाइन्स, ठीक है। कंटिन्यूअस एक्सरे बैंड विथ शार्प लाइन्स कॉल्ड एज कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे। एक्सरे, ये जो शार्प लाइन है वो कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे है, और ये जो ऐसे जो जा रहा है वो कंटिन्यूअस एक्सरे, जो स्ट्रेट में ऐसे ये सब जा रहा है ये कंटिन्यूअस एक्सरे हुआ, और ये शार्प लाइन बन रहा है वो कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे बन रहा है, ठीक है। अब चलिए इसमें लिखना स्टार्ट करते हैं। हेयर वी सी दैट कंटिन्यूअस एक्सरे इज प्रोड्यूस्ड बाय, कंटिन्यूअस एक्सरे इज प्रोड्यूस्ड बाय कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद द टारगेट मेटल, ठीक है। तो उससे जब कोलिजन हुआ तो कंटिन्यूअस एक्सरे प्रोड्यूस्ड हुआ। द शार्प लाइन इज द कैरेक्ट, अच्छा इसमें एक लाइन और लिख दीजिए। सो दिस रे वाज बिकॉज ऑफ एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल, ये एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल के कारण, भी के कारण ये आया था। नाउ द शार्प लाइन्स इन एक्सरे स्पेक्ट्रम इज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे, द नेम इज गिवेन
बिकॉज दिस रे डिपेंड्स अपॉन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टारगेट मटेरियल इट्स एटॉमिक नंबर मेल्टिंग पॉइंट ईटीसी, ये सब चीज पे डिपेंड कर रहा है कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे, ठीक है। दिस कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे वाज डिस्कवर्ड इन 1908 बट इट्स ओरिजिन वाज नॉट डिस्कवर्ड अंटिल द एटमिक अंटिल द हाँ एटमिक स्पेक्ट्रम वाज नोन, ठीक है। बाद में इसको समझा गया कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे है और ये डिपेंड कर रहा है आपका वो मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, टारगेट मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए इसको कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे कहा गया। यदि ज्यादा एटमिक नंबर रहेगा, हाई मेल्टिंग पॉइंट रहेगा टारगेट मटेरियल का, तो क्या होगा कि एक्सरे का जो ये एक्सरे निकलेगा वो बहुत हाई इंटेंसिटी का निकलेगा, कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं। अब एक स्पेक्ट्रम बनाते हैं, देखिएगा इसको, यहां ऐसे गया, के सीरीज, उसके बाद ये हो जाएगा एल सीरीज, एम सीरीज, के L M N N, यहां पे लिखिएगा K अल्फा, ये हो जाएगा K बीटा और ये हो जाएगा K गामा, ये L अल्फा L बीटा फिर वही L गामा, इस तरह से लिखते चला जाइएगा, ठीक है। अब इसमें लिखना स्टार्ट करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे इज प्रोड्यूस्ड व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज बॉम्बार्डेड ऑन द टारगेट मटेरियल। इलेक्ट्रॉन को हम लोग कहां बॉम्बार्ड करते हैं, टारगेट मटेरियल पर बॉम्बार्ड करते हैं। When we bombard the metal, then it the
एटम द इनर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एटम, देन इन इनर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एटम इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड। ठीक है, तो इनर मोस्ट ऑर्बिट से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकल जाता है किसका, टारगेट मटेरियल का। तो होता क्या है, तो होता क्या है, द वैकेंसी इज क्रिएटेड इन द इनर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ टारगेट मटेरियल एटम। ठीक है, दिस वैकेंसी इज फुलफिल्ड बाय, दिस वैकेंसी इज फुलफिल्ड बाय द नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन इन द हायर ऑर्बिट। तो हायर ऑर्बिट जो इलेक्ट्रॉन होगा वो आ जाएगा उसके इनर मोस्ट में। ठीक है, सो इन दिस ट्रांजिशन ऑफ ऑर्बिट एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, तो क्या होता है कि फोटोन के फॉर्म में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकल जाता है। ठीक है, चलिए, तो द एनर्जी ऑफ द फोटोन इज इक्विवेलेंट टू द डिफरेंस इन एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट। ठीक है, तो ऑर्बिट के बीच का जो डिफरेंस होता है ना एनर्जी का, वही डिफरेंस, वही एनर्जी ऑफ द फोटोन हो जाता है। ठीक है, चलिए, तो ये यहां पर हो गया। चलिए, अब क्या किया है कि यहां पे फिगर बनाए हैं। इन द गिवन फिगर इफ द बॉम्बार्डिंग इलेक्ट्रॉन्स रिमूव द इलेक्ट्रॉन इन के सेल। ठीक है, इफ द बॉम्बार्डिंग रिमूव द इलेक्ट्रॉन इन के सेल, देन इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एल सेल कम्स टू के शेल एंड द सीरीज के अल्फा लाइन इज फॉर्म्ड। सिमिलरली फ्रॉम एम सेल टू के सेल के बीटा लाइन इज फॉर्म्ड एंड सो ऑन। ठीक है, सिमिलरली इफ इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड ऑफ एल सेल, देन एल सीरीज इज फॉर्म्ड। ठीक है, उससे एल सीरीज बनेगा, फिर एम सीरीज बनेगा एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये आपका हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे। कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है इसमें,
इसमें बस हो क्या रहा है कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन उसका हटा दे रहा है, तो वो हाइयर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन आ जा रहा है, उसको फुलफिल कर रहा है, इसी में इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी एक्सरे निकल रहा है। ठीक है, चलिए अब लिखना स्टार्ट करते हैं। मूजलेस लॉ फॉर कैरेक्टरिस्टिक्स स्पेक्ट्रम। ठीक है, लिखना स्टार्ट करते हैं। इन बोर मॉडल वी कैन नॉट डिफाइन द मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम। ठीक है, तो मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम को हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं बोर मॉडल में। ठीक है, बोर मॉडल का बस यही है कि वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में बात करता था जिसमें एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता था। ठीक है, या हाइड्रोजन लाइक एटम के बारे में बात करता था, बस उसका उतना ही लिमिट था। तो इसलिए बोर मॉडल क्या कर सकता था कि जो टारगेट मटेरियल है, तो मटेरियल के बारे में यहां बात करना है, तो मटेरियल तो कोई भी हो सकता है, मल्टी इलेक्ट्रॉन भी मटेरियल भी हो सकता है, मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम हो सकता है उसमें। ठीक है, तो मटेरियल तो हाइड्रोजन का तो बना नहीं सकते हैं मटेरियल, टारगेट मटेरियल कि जिस पे आके इलेक्ट्रॉन बॉम्बार्ड करे या वहां से इलेक्ट्रॉन निकले या उससे एक्सरे निकले। ठीक है, तो यहां पे क्या किया मूजले, जो क्या किया कि फ्रीक्वेंसी निकालने का कोशिश किया एक्सरे का। ठीक है, तो उसमें क्या करता है मूजले, देखिए। सो मूजलेस डिस्कवर्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्सरे विथ द एटॉमिक नंबर ऑफ द मटेरियल। ठीक है, ही drawn H alpha line for various type of atom and he find the graph of H alpha line with graph of H alpha line in he discovered the frequency root f of the x-ray with the atomic number z of the material। ये root f और z के बीच में एक रिलेशन निकाला, और ये जो ड्रॉ किया है h अल्फा लाइन ड्रॉ किया है। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नंबर में किसका ग्राफ बनाया है, h अल्फा लाइन का बनाया है। he drawn h अल्फा लाइन वेरियस टाइप ऑफ एटम and he found the graph of H alpha line in the root F and Z graph। ठीक है, Z plane। ठीक है, तो ये क्या किया root F और Z का क्या किया कि plane में H alpha का ये बनाया, and he found that this H alpha value line is nearly a straight line। ये straight line है। ठीक है, चलिए तो इसका हम पहले graph एक बना दे रहे हैं, उसको आप लोग देख के समझिए। ये ऐसे गया, ये रूट एफ है, इसका वैल्यू जो है इनटू 10^9 हर्ट्ज टू द पावर 1/2। ये रूट एफ है, हर्ट्ज का ही पावर टू द रूट हो जाएगा। ठीक है, और ये 5, 10, 15 ऐसे कर करके जा रहा है। चलिए, ये फ्रीक्वेंसी हो गया, ये एटॉमिक नंबर जेड हो गया।
इसे लिखते हैं दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एच अल्फा लाइन विथ द फ्रीक्वेंसी रूट एफ ऑफ एच अल्फा लाइन विथ द एटॉमिक नंबर जेड। ठीक है, चलिए एच अल्फा लाइन इसको लिख देते हैं। एच अल्फा लाइन क्या होता था कि सेकेंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट की तरफ जो आता था वो एच अल्फा लाइन होता था। ठीक है, तो हम बहुत सारा एटम के लिए जिसका एटमिक नंबर अलग अलग हो सकता है उसका हम लोग एच अल्फा लाइन बनाए हैं विथ रिस्पेक्ट टू किसका, रूट अंडर फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, हेयर वी सी दैट द फ्रीक्वेंसी रूट एफ इज जीरो फॉर जेड फॉर सम वैल्यू ऑफ जेड मीन द लाइन इज नॉट जीरो फॉर जेड इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, यानी कि एटमिक नंबर जीरो रहेगा तब फ्रीक्वेंसी जीरो होगा रूट एफ फ्रीक्वेंसी, ये ऐसा नहीं है। कुछ एटमिक नंबर रहना चाहिए उसका, तब फ्रीक्वेंसी जो आपका होगा वो क्या होगा, जीरो हो जाएगा रूट अंडर एफ, फ्रीक्वेंसी नहीं रूट अंडर एफ। ठीक है, तो ये इसको याद रखिएगा। चलिए अब क्या करते हैं, कुछ इक्वेशन है उस इक्वेशन को पहले हम उतार देते हैं। ठीक है, वो इक्वेशन है उस इक्वेशन को आप भी उतार लीजिएगा और हम क्या करेंगे उसको एक्सप्लेन कर देंगे तो आप लोग के लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हम बारी बारी से एक एक बताएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो हम उसको उतार देते हैं, इस इक्वेशन को पूरा सीरीज है। लिखते हैं द मूजलेस लॉ फॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ एच अल्फा लाइन इज गिवन एज रूट अंडर एफ ऑफ के अल्फा लाइन इज इक्वल टू ए जेड माइनस वन। ठीक है, वेयर ए इज कॉन्स्टेंट, ए इज कॉन्स्टेंट। ठीक है, अब क्या है, द जनरल फॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन इज रिटन एज रूट एफ इज इक्वल टू ए जेड माइनस बी। ठीक है, और रूट एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड माइनस बी। ठीक है, चलिए इसको पूरा उतारते जाइएगा, हम उसके बाद आपको समझाएंगे ये क्या मतलब हो रहा है इसका। चलिए, फोर के अल्फा लाइन डेल्टा ई इज इक्वल टू एच एफ इज इक्वल टू आर एच सी जेड माइनस वन का होल स्क्वायर वन बाय वन स्क्वायर माइनस वन बाय टू स्क्वायर। तो रूट एफ का जो वैल्यू हो जाएगा रूट अंडर थ्री आर सी बाय फोर जेड माइनस वन, ए इज इक्वल टू थ्री आर सी बाय फोर एंड बी इज इक्वल टू वन। अब लिखना स्टार्ट करते हैं, आफ्टर
सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ आर एंड सी वी गेट ए इज इक्वल टू 4.98 इंटू 10 टू द पावर 7 हर्ट्ज टू द पावर 1/2 also root f is equal to a z minus b इसीलिए f is equal to a square z minus b का whole square for k alpha line a square is equal to 3rc/4 is equal to 2.48 into 10 to the power 15 hertz and b is equal to 1. F of k alpha is equal to 2.48 into 10 to the power 15 हर्ड्स जेड माइनस वन का होल स्क्वायर। चलिए ये हो गया आपका, क्या है समझाते हैं कि जो मूजले लॉ है उस अनुसार से फ्रीक्वेंसी ऑफ के अल्फा लाइन का रूट निकालिएगा तो इसका ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड माइनस वन है आपका, ठीक है। तो ये जो z माइनस वन जो है आपका, अब देखिए ये वन जो आपका है ना, तो जो ग्राफ बनाए थे ना ऐसा ग्राफ, तो इसका जो इंटरसेप्ट है वो वाला हो गया वन, ठीक है। और a जो आपका है वो कांस्टेंट रहेगा, समझ में बात आ रहा है। तो इस तरह से फ्रीक्वेंसी जो आपका है इस तरह से इसका डिफाइंड है, किसका, h अल्फा लाइन का मुजले में, ठीक है। बस आपको क्या करना है कि एटॉमिक नंबर डालना है, ठीक है। अच्छा, ये जनरल नहीं है आपका इक्वेशन, ठीक है। जनरल इक्वेशन आपको लेना है तो रूट एफ इज इक्वल टू ए जेड माइनस बी हो जाएगा। तो अभी देखिए ये जो है ये बी इज इक्वल टू, देखिए ये जनरल इक्वेशन आपका हो गया, तो बी इज इक्वल टू यहां पे वन है, ठीक है। तो ये एक्चुअली में के अल्फा लाइन है, यदि एल अल्फा लाइन लेंगे तो बी इज इक्वल टू 7.4 हो जाएगा। यदि एम अल्फा लाइन लेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ एफ अल्फा लाइन एल अल्फा लाइन लेंगे तो बी इज इक्वल टू और कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो बी है ना वो चेंजिंग है, ठीक है। अब बी एक्चुअली में क्या है, जेड का वैल्यू है, ठीक है। यहां ऐसे बनाए थे तो ये जेड का जो यहां से क्या है, ये वैल्यू है आपका, तो वही आपको ये बता रहा है, ठीक है। तो एक्चुअली में हो क्या रहा है कि बी का वैल्यू अलग अलग हो सकता है, ये हो सकता है कि एल अल्फा का बात कर रहा हो, एम अल्फा का बात कर रहा हो, तब बी का वैल्यू अलग अलग इस पे डालेंगे। तो इसीलिए इसको जनरल इक्वेशन मान लिए, ये ए तो एक कांस्टेंट हो गया और जेड माइनस वन यानी बी इज इक्वल टू वन हो गया के अल्फा के लिए, बी इज इक्वल टू 7.4 हो जाएगा एल अल्फा के लिए, और उसी तरह से बाकी सबका होगा, ठीक है। तो आप तो के अल्फा का बात कर रहे हैं तो ये जो इक्वेशन से हम यहां पर आ जाते हैं, चेंज इन एनर्जी आपको क्या होता है, h इंटू फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब h इंटू फ्रीक्वेंसी है तो फ्रीक्वेंसी जो आपका है वो किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, a और z माइनस वन पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो इस फ्रीक्वेंसी को जो आप हटाइएगा तो ये स्क्वायर हो जाएगा ना, a स्क्वायर z माइनस वन का होल स्क्वायर, तो उसी को इस फॉर्म में करके लिख दिया गया है, ठीक है। और देखिए अब क्या किया गया है यहां पे कि मेरा जो स्पेक्ट्रम लिया गया था ये के अल्फा लाइन का बात कर रहा है ना, तो ये सबसे नीचे वाला ऑर्बिट से सेकंड वाला ऑर्बिट से जो आ रहा है उसी का के अल्फा लाइन हो रहा है ये। तो पहला तो ये 1/1 स्क्वायर हो रहा है, ये इसका जो सबसे नीचे वाला ऑर्बिट है, और आ कहां से रहा है तो ऊपर वाला सेकंड वाला ऑर्बिट से, तो 1/2 स्क्वायर हो गया इसका वैल्यू,
ठीक है। तो इसी को एनर्जी को इस फॉर्म में खाली लिख दिया गया। हम इतना समझ सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी जो होगा जेड माइनस वन का होल स्क्वायर होगा, तो जेड माइनस वन का होल स्क्वायर है, ठीक है। अब बाकी ए का जो एच का उतार दिया गया, फ्रीक्वेंसी का जेड माइनस वन का होल स्क्वायर और ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर के जगह पे क्या लिख दिया गया आपका आर सी और इतना लिया गया, ठीक है। तो ये आपका इस तरह से इक्वेशन हो गया। अब यहां पे आप देखिए कि ये जो फ्रीक्वेंसी का जो वैल्यू है वो आपका क्या होगा, देखिए वन बाय वन स्क्वायर वन माइनस वन बाय फोर, तो फोर माइनस वन थ्री बाई फोर, तो ये थ्री बाई फोर, और ये जब करके पूरा आएगा तो एच एच काट देंगे यहां पे, तो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू जो आ जाएगा रूट अंडर थ्री आर सी बाई फोर जेड माइनस वन आ गया, ठीक है। ये बात समझ में आ रहा है आपको कि यहां से एच एच हटा दिया गया तो आपका फ्रीक्वेंसी का जो वैल्यू होगा रूट अंडर फ्रीक्वेंसी का वैल्यू, तो रूट अंडर आपका थ्री आर सी बाई फोर जो आ गया और जेड माइनस वन आ गया, जेड माइनस वन का स्क्वायर था वो भी जेड माइनस वन बन गया, क्योंकि यहां पर रूट एफ आ गया, ठीक है। तो ये इस तरह से फ्रीक्वेंसी को हम लिख दिए। अब इसका और इसका कंपैरिजन करेंगे, इसका कंपैरिजन करेंगे तो एक जगह पे क्या है रूट अंडर थ्री आर सी बाई फोर, एक जगह थ्री आर सी बाई फोर लिख दिए हम। अब बी के जगह पे यहां पे क्या है वन है, बी इज इक्वल टू वन लिखा हुआ है यहां पे, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ रहा है। तो कैसे कैसे हम लोग ए कॉन्स्टेंट का यहां वैल्यू निकालें और बी इज इक्वल टू वन होता है किसमें, के अल्फा लाइन में। के अल्फा लाइन कहां से आता है, सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट की तरफ जो आता है, फिगर देखिएगा स्पेक्ट्रम का, तो उसमें सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट आ रहा है तो के अल्फा लाइन निकल रहा है, ठीक है। तो ये जो एक्चुअली ए और बी का वैल्यू हो गया किसके लिए, के अल्फा लाइन के लिए। अब देखिए आफ्टर सब्स्टिट्यूट, अब इसमें आर और सी, आर रिडबर्ग कॉन्स्टेंट, सी स्पीड ऑफ लाइट, सबका वैल्यू डालेंगे तो ए का जो वैल्यू जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा आपका इतना। अच्छा, ए का जो वैल्यू होगा वो रूट अंडर, ए तो यूनिटलेस होगा तो ए का वैल्यू जो भी होगा इसका यूनिट वही होगा जो फ्रीक्वेंसी का यूनिट होगा, और फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या है हर्ट्ज, तो हर्ट्ज का रूट वाला होगा, तो हर्ट्ज का रूट वाला ए का वैल्यू आ गया आपका। रूट एफ जो वैल्यू है वो क्या है, ए जेड माइनस बी है, जनरल फॉर्मूला ले लिया, तो एफ इज इक्वल टू ए स्क्वायर जेड माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखिए इसमें कर क्या रहा है कि फॉर के अल्फा लाइन ए स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री आर सी बाई फोर, ठीक है। तो ए स्क्वायर इक्वल टू क्या है, ए स्क्वायर कर देंगे तो थ्री आर सी बाई फोर आ जाएगा, ठीक है। तो ए का तो वैल्यू निकाल लिया ही हुआ था, ए स्क्वायर का भी वैल्यू निकाल दिए, ए स्क्वायर का वैल्यू बस समझ लीजिए ना कि इतना का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो इतना का स्क्वायर कीजिएगा तो आपको इतना वैल्यू आ जाएगा, इतना हर्ट्ज, और बी इक्वल टू वन है ही। फ्रीक्वेंसी ऑफ के अल्फा लाइन जो आपका है, फ्रीक्वेंसी ऑफ के अल्फा लाइन जो आपको निकालना है, तो थ्री आर सी बाई फोर का वैल्यू हमको जरूरत था, इसलिए थ्री आर सी बाई फोर का वैल्यू निकाले थे, और इसका जब रूट अंडर करके थ्री आर सी बाई फोर का वैल्यू निकाले और यहां से फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, हाँ फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है, यही वाला फ्रीक्वेंसी में, तो ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर यहां निकाल दिए यहां से, ठीक है। अब b इक्वल टू वन तो k अल्फा का होता ही है, तो b इक्वल टू वन डाले और ए स्क्वायर का वैल्यू यहां से निकाल के यहां डाल दिए, इसी फॉर्मूला को, इसलिए फॉर्मूला को बनाया गया था जनरल फॉर्म वाला, और इसको डायरेक्टली फिर यहां से यहां ले आया गया सब वैल्यू डालकर, ठीक है। समझ में आ रहा होगा कि यह कैसे हो रहा है। चलिए इसको उतार लीजिए अच्छा से और इसको पढ़िए, आप समझ में आ जाएगा, एक दो बार देखिए इसको और अच्छा से समझ में आएगा। चलिए अब इसी में लिखना स्टार्ट करते हैं। एनर्जी ऑफ के अल्फा लाइन इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ एल अल्फा लाइन इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ एम अल्फा लाइन, ठीक है। सॉरी, एनर्जी ऑफ के सीरीज इज ग्रेटर देन एल सीरीज इज ग्रेटर देन एम सीरीज, ठीक है। ये एनर्जी ऑफ
के सीरीज इज ग्रेटर देन एल सीरीज ग्रेटर देन एम सीरीज, ठीक है। अल्फा लाइन का बात नहीं कर, अल्फा बीटा गामा का अलग से हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो ये अभी इसका हुआ, तो फ्रीक्वेंसी जो हो जाएगा के इज ग्रेटर देन फ्रीक्वेंसी ऑफ एल इज ग्रेटर देन फ्रीक्वेंसी ऑफ एम, तो वेवलेंथ जो हो जाएगा वो स्मॉलर देन एल स्मॉलर देन एम, ठीक है। अब चलिए हम बात करेंगे फोर अल्फा बीटा गामा लाइन के लिए। तो एनर्जी ऑफ अल्फा इज स्मॉलर देन एनर्जी ऑफ बीटा इज स्मॉलर देन एनर्जी ऑफ गामा, सो फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्फा इज स्मॉलर देन फ्रीक्वेंसी ऑफ बीटा इज स्मॉलर देन फ्रीक्वेंसी ऑफ गामा, सो वेवलेंथ ऑफ अल्फा इज ग्रेटर देन वेवलेंथ ऑफ बीटा इज ग्रेटर देन वेवलेंथ ऑफ गामा, ठीक है। तो इस तरह से आपका हो जाएगा एनर्जी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, एनर्जी फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, ठीक है। ये इस तरह से सीरीज होता है, ठीक है। चलिए वी हैव रूट एफ इज डायरेक्टली रूट एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड माइनस बी, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका एक ग्राफ पहले बना देते हैं, ठीक है, इससे आपको ज्यादा क्लियर होगा। ये रूट एफ का ग्राफ हो गया, रूट अंडर फ्रीक्वेंसी का, ये एटमिक नंबर का, और ये ठीक है, ये के अल्फा, ये एल अल्फा, कोई वैल्यू है किसी पर, ये वन, ये 7.4। चलिए यहां पे लिखते हैं b इज इक्वल टू 1 फॉर k अल्फा लाइन, b इज इक्वल टू 7.4 फॉर k बीटा लाइन, ठीक है। तो यहां पे लिखा हुआ है दस, इसके अनुसार देखा जाए रूट f इज इक्वल टू 0 एट z इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 1 फॉर k अल्फा लाइन, और रूट एफ इज इक्वल टू फिर क्या आ गया, इसका वैल्यू क्या आ गया, जीरो बोले ना, ये आ गया जीरो एट जेड इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 7.4 फोर के बीटा, ये सॉरी एल अल्फा ना, एल अल्फा फोर एल अल्फा लाइन, ठीक है। चलिए इसको उतारिए यहां तक, यहां पे एक चीज लिखिएगा हेयर डॉटेड लाइन इंडिकेट्स दैट एक्सरे इज एक्सरे डज नॉट एग्जिस्ट फॉर लोअर वैल्यू ऑफ जेड, ठीक है, लोअर वैल्यू ऑफ जेड, ठीक है, इट ओनली एग्जिस्ट फॉर हायर वैल्यू ऑफ जेड, तो जेड का वैल्यू कम के लिए एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। ऑल्सो हेयर वी सी दैट रूट एफ वैल्यू इज हायर फॉर के अल्फा लाइन देन एल अल्फा लाइन फॉर सेम वैल्यू ऑफ एटमिक नंबर, ठीक है, एटमिक नंबर सेम रहेगा तो के अल्फा लाइन का जो है वो फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, ठीक है। इसको उतारिए, ये हो गया, इसमें लिखना स्टार्ट करते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट, क्या होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट। सपोज देयर इज ए
सोडियम एटम विथ एटॉमिक नंबर 11, जेड इज इक्वल टू 11। अब देखिए क्या करते हैं, व्हेन वी रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन देन वी लेफ्ट विथ 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नाउ ड्रॉ ए गॉशियन सरफेस जस्ट इनसाइड द ऑर्बिट इन विच द एक्सक्लूडेड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। मतलब कहने का मतलब क्या है ना कि जैसे मान लीजिए, इसको मिटा देंगे फिर, जैसे मान लीजिए कि आपका इलेक्ट्रॉन है, मान लिया यहाँ 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 सब इलेक्ट्रॉन है, तो इससे हम इलेक्ट्रॉन निकाल लिए और ये मान लिया इस ऑर्बिट में चला गया, तो हम लोग गॉसियन सरफेस ऐसे बनाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन जो निकाले हैं ना वो मान लिए कहीं यहां पर है, ठीक है, तो बाकी इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या करेंगे, उस एक इलेक्ट्रॉन के अंदर में हम गॉसियन सरफेस बना देते हैं। ठीक है, नॉट ड्रॉ ए गॉसियन सरफेस जस्ट इनसाइड द ऑर्बिट इन विच द एक्सक्लूडेड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। सो द नेट चार्ज इनक्लोज्ड इनसाइड द गॉसियन सरफेस विल बी 11E न्यूक्लियर चार्ज ऑफ प्रोटोन, प्रोटोन के कारण जो न्यूक्लियर चार्ज होगा, और -10E ऑफ इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन बचा ना, एक इलेक्ट्रॉन तो निकल गया, इसलिए नेट चार्ज जो हो जाएगा वो क्या आ जाएगा, ई। ठीक है, देयरफोर द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इफेक्टिव चार्ज, इसको ऐसे लिख देते हैं ई, ये ब्रैकेट में क्या हो गया, इफेक्टिव चार्ज बाय आर स्क्वायर, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया आर डिस्टेंस पे। सो इट मींस द एक्सक्लूडेड इलेक्ट्रॉन, जिसको हम लोग निकाल चुके हैं, इट मींस नहीं अभी इसको नहीं लिखते हैं, तो अब देखिए ये समझ में आ रहा है कि इफेक्टिव चार्ज अंदर में क्या बचा गॉसियन सरफेस के, खाली ई बचा। ठीक है, सो इफ द एक्सक्लूडेड इलेक्ट्रॉन इज अट्रैक्टेड बाय न्यूक्लियस, इट डज नॉट मीन दैट 11 प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस इज अट्रैक्टिंग द इलेक्ट्रॉन, बट ओनली वन प्रोटॉन इज अट्रैक्टिंग द एक्सक्लूडेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अंदर में जो 11 प्रोटॉन है ना, उसका मतलब नहीं है कि 11 प्रोटॉन इसको अट्रैक्ट कर रहा है, वो 10 उसमें से एक ही प्रोटॉन इसको अट्रैक्ट करेगा, बाकी 10 क्या करेगा, बिकॉज
द 10 प्रोटोन ऑफ द न्यूक्लियस इज अट्रैक्टेड बाय 10 इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट. सो दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एज स्क्रीनिंग इफेक्ट. ठीक है, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट मतलब क्या किया ना कि सब प्रोटोन नहीं लग गया, मतलब उसको अट्रैक्ट करने के लिए सिर्फ एक ही प्रोटोन लगेगा. ठीक है, बाकी जो 10 है ना, मतलब इसमें 11 प्रोटोन है ना आपका, तो 10 प्रोटोन लग जाएगा, जो बाकी 10 है उसको अट्रैक्ट करने में, बाकी एक ठो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा. ठीक है, चलिए इसको उतारिए. ये स्क्रीनिंग इफेक्ट समझ में आ रहा है कि स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है. स्क्रीनिंग इफेक्ट मतलब क्या है कि सब अपना अपना इलेक्ट्रॉन प्रोटोन बिजी है. ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन यदि निकल गया है तो एक ही प्रोटोन के द्वारा वो अट्रैक्ट किया जाएगा, सबके द्वारा वो अट्रैक्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि बाकी जो 10 प्रोटोन है वो 10 को इलेक्ट्रॉन के साथ वो बिजी है अपना. ठीक है, सो द एक्सप्रेशन, सो इन द एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी we will replace e square by z effective e square. ठीक है, z effective e square with the screening effect and is written as en is equal to minus जेड इफेक्टिव का स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इंटू 13.6 इलेक्ट्रॉन. इसको लिख देते हैं, एनर्जी लेवल विथ स्क्रीनिंग. ठीक है, इसको उतारिए. वी कैन एस्टिमेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ के अल्फा एक्सरे लाइन. वी कैन एस्टिमेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ के अल्फा एक्सरे लाइन यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ स्क्रीनिंग. ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ स्क्रीनिंग से हम इसको ला सकते हैं. सपोज एन इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम के शेल एंड इट इज फिल्ड विथ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एल सेल, देन जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू जेड माइनस वन फोर एन आई इज इक्वल टू टू एंड एन एफ इज इक्वल टू वन फोर के सेल फोर एल सेल. ठीक है, तो एन आई इज इक्वल टू टू से क्या आ रहा है, वन की तरफ आ रहा है, तो ये जेड माइनस वन क्या हो जाएगा आपका, ये जेड इफेक्टिव हो जाएगा इस फॉर्मूला में यूज करने के लिए. ठीक है, तो इस तरह से जेड इफेक्टिव आपका क्या हो जाएगा, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो आपका होगा वो इसी तरह से डिफाइंड होगा कि आपको क्या करना है, कि स्क्रीनिंग इफेक्ट देखना है कि कैसे हो रहा है. चलिए अब इसको लिखना स्टार्ट करते हैं. फ्रीक्वेंसी ऑफ के अल्फा लाइन हमको निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ के अल्फा लाइन. तो सब फर्स्ट हम क्या करते हैं, मेरे पास क्या है, ई एन इज इक्वल टू माइनस जेड माइनस वन का होल स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इंटू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. बिफोर ट्रांजिशन इन एल सेल, पहले एल सेल में था बाद में ना के सेल में गया, एन इज इक्वल टू टू, इसीलिए
ई टू इज इक्वल टू माइनस जेड माइनस वन का होल स्क्वायर बाय 4 इंटू 13.6, ये हो जाएगा स्क्वायर 12 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब चलिए, आफ्टर ट्रांजिशन इन के सेल एन इज इक्वल टू 1, इसीलिए E1 इज इक्वल टू माइनस जेड माइनस वन का होल स्क्वायर बाय 1 इंटू 13.6, इसका वैल्यू कितना आ गया, जेड माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी ऑफ के अल्फा लाइन ई के अल्फा इज इक्वल टू E2 माइनस E1, तो ये क्या हो जाएगा, जेड माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू 10.3.4 हटा देंगे तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हो जाएगा एनर्जी ऑफ के अल्फा लाइन का। ठीक है, अच्छा हमको क्या निकालना था, वेवलेंथ निकालना था, अच्छा फ्रीक्वेंसी। अब क्या है मेरे पास, ई ऑफ के अल्फा इज इक्वल टू एच इंटू फ्रीक्वेंसी ऑफ के अल्फा, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ के अल्फा इज इक्वल टू ई ऑफ के अल्फा बाय एच। ई ऑफ के अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा, जेड माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू 10.2, और एच का वैल्यू 4.136 इंटू 4.136 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकेंड। इसको कैलकुलेट करेंगे तो मेरे पास जो आ जाता है फ्रीक्वेंसी ऑफ के अल्फा लाइन 2.47 इंटू 10 टू द पावर 15 हर्ट्ज। ठीक है, और जेड माइनस वन का होल स्क्वायर, ये आ गया आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ के अल्फा लाइन, ये जेड माइनस वन का होल स्क्वायर पे डिपेंड करेगा। ठीक है, कौन सा जेड है, आप कौन सा एटम ले रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। तो ऐसा एटम लीजिए और उसका वैल्यू डालिए वहां पे, उसका एटमिक नंबर डालिए जेड और फ्रीक्वेंसी ऑफ के अल्फा लाइन निकालिए। ठीक है, तो ये जेड पे डिपेंड करेगा। ठीक है, चलिए इसको उतारिए, ये हो गया। कुछ पॉइंट्स और है उसको हम लोग लिख लेंगे, कुछ पॉइंट्स और लिख लेंगे तो ये हम लोग का टॉपिक खत्म हो जाएगा, इससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेंगे एक्सरे से रिलेटेड। लिखना स्टार्ट करते हैं, द टारगेट और एनोड इन एक्सरे शुड बी ऑफ हाई मेल्टिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, बिकॉज ओनली 0.5% ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड इलेक्ट्रॉन्स इज कन्वर्टेड इंटू एक्स रेज एंड द रेस्ट इलेक्ट्रॉन्स ओनली हिट्स द कूलिज ट्यूब। ठीक है, सो इट्स मेल्टिंग पॉइंट शुड बी हाई, अदरवाइज इट मे मेल्ट एट हायर टेम्परेचर। तो हायर टेम्परेचर पे क्या हो सकता है, वो मेल्ट कर सकता है। लिखना स्टार्ट करते हैं, द एटमिक नंबर ऑफ टारगेट मेटल शुड बी हाई। ठीक है, द एटमिक नंबर ऑफ टारगेट मेटल क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए, इन विच इट हैज बीन सीन दैट इट गिव्स गुड that energy
ऑफ द एक्सरे इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन जेड. एक्सरे एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स सो इट हैव ऑल प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. ठीक है, चलिए इसको उतारिए. ये हो गया, आप कुछ क्वेश्चन करेंगे हम लोग. फाइंड द कट ऑफ वेवलेंथ फॉर द कंटिन्यूअस एक्सरे coming from an x-ray tube operating at 40 किलो वोल्ट. ठीक है, कट ऑफ वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या है? लेमडा इन एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 1,2,3,7,5 बाय वी इन वोल्ट. तो 1,2,3,7,5 और वी का वैल्यू कितना है? 40 × 10³. तो इसको डिवाइड किया जाए, लेमडा का वैल्यू देखते हैं कितना आता है. 0.31 एंगस्ट्रॉम आ रहा है. ठीक है, चलिए इसको उतारिए. ये हो गया. अगला क्वेश्चन लिखा जाए. यूज मूजलेज लॉ विथ बी इज इक्वल टू वन टू फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द K alpha X ray of LA Z = 57. ये एटम हो गया, Z = 57. इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द K alpha X rays of CU Z = 29 is known to be 1.88 × 10⁻¹⁰ Hz. चलिए इसको उतारिए. मेरे पास है, We have रूट एफ इज इक्वल टू ए जेड माइनस बी. अब देखिए, हेयर बी इज इक्वल टू वन. तो हमको क्या बोल रहा है? बी इज इक्वल टू वन दिया हुआ है. फ्रीक्वेंसी ऑफ के अल्फा एक्सरे ऑफ एल ए जेड इज इक्वल टू क्या है? 57 है. तो ठीक है, तो रूट एफ वन इज इक्वल टू रूट ऑफ एफ वन नहीं रूट ऑफ एफ ऑफ एल ए इज इक्वल टू ए 57 माइनस वन, यानी कि 56 ए रूट ऑफ एफ ऑफ एल ए. ठीक है, उसी तरह से रूट ऑफ एफ ऑफ सी यू लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ए
29-1 28 a रूट ऑफ एफ सी यू, ठीक है। अच्छा, रूट ऑफ एफ सी यू का वैल्यू दिया हुआ है इतना, तो हम पहले इसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो रूट अंडर एफ ऑफ एल ए बाय रूट ऑफ एफ ऑफ सी यू इज इक्वल टू 56 ए बाय 28 ए, तो ये क्या हो जाएगा रूट ऑफ, अच्छा इसको डायरेक्टली करते हैं, नहीं ऐसे करेंगे, रूट ऑफ एफ ऑफ एल ए बाय रूट ऑफ एफ ऑफ सी यू इज इक्वल टू 56 बाय 28। तो इसको काटिए, 2 × 4 = 16, 2 × 4 = 8, 2, ठीक है। तो ये जो आ जाएगा एफ ऑफ एल ए तो हमको पता नहीं है, एफ ऑफ सी यू का वैल्यू पता है हमको, 1.88 × 10⁻¹⁸ इज इक्वल टू 2। तो एफ ऑफ एल ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 × 1.88 × 10⁻¹⁸। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए, फोर 32 7.52 × 10⁻¹⁸ हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी ऑफ एल ए, ठीक है। ये आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ एल ए निकल गया इससे, ठीक है, यही ना निकालना था। चलिए इसको उतारिए, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन्स विद डी ब्रोगली वेवलेंथ, इलेक्ट्रॉन्स विथ डी ब्रोगली वेवलेंथ लेमडा फॉल्स ऑन द टारगेट इन, लेमडा फॉल्स इन द टारगेट इन एन एक्सरे ट्यूब, एन एक्सरे ट्यूब, ठीक है। The cutoff wavelength of the emitted X-ray, the cutoff wavelength of the emitted X-ray is, चलिए cutoff wavelength निकालना है। Electron with डी ब्रोगली wavelength lambda falls on a टारगेट इन ए एक्सरे ट्यूब, ठीक है। द कट ऑफ वेवलेंथ ऑफ द एमिटेड एक्सरे इज, अच्छा इसका ऑप्शन जरूरी है, इसका ए जो है आपका वो लेमडा नॉट इज इक्वल टू 2mc लेमडा स्क्वायर बाई एच, बी इज इक्वल टू लेमडा नॉट इज इक्वल टू 2h बाई mc, सी इज इक्वल टू लेमडा नॉट इज इक्वल टू 2m स्क्वायर सी स्क्वायर लेमडा क्यूब बाई h स्क्वायर, डी इज इक्वल टू लेमडा नॉट इज इक्वल टू लेमडा, ठीक है। चलिए, वी हैव लेमडा इज इक्वल टू h बाई p, ये हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, एंड पी इज इक्वल टू रूट अंडर 2 km, इसमें k क्या होता था, काइनेटिक एनर्जी होता था, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब देखिए, तो पी इज इक्वल टू h बाई लेमडा आया, ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी इसमें से निकालते हैं, तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 km, तो k इज इक्वल टू क्या होगा, 1/2 p² / m, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख देंगे 1/2 h² / λ² m, ठीक है, k। और ये k जो हो गया ना, यही एनर्जी जो होगा उसका hc/λ₀ का एनर्जी होगा, यही एनर्जी होगा काइनेटिक एनर्जी, यही से लेमडा निकल जाएगा आपका। तो मेरे पास क्या आ गया, hc/λ₀ इज इक्वल टू h² / 2 λ² m² तो h कट गया, लेमडा नॉट का वैल्यू हो गया 2 λ² m² c बाय
एच, टू एम स्क्वायर सी स्क्वायर पी स्क्वायर इज इक्वल टू टू के एम पी स्क्वायर, एच स्क्वायर बाई लिमडा स्क्वायर, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो गया, वन बाई टू पी स्क्वायर बाई एम, ठीक है, सब तो सही है। अच्छा, इसमें एम हम गलती से एम स्क्वायर कर दिए थे, एम ही रहेगा ना, वन बाई टू पी स्क्वायर बाई एम, तो पी स्क्वायर में एच स्क्वायर बाई लेमडा स्क्वायर करेंगे, एम का एम उतार देंगे तो ये एम यही रह जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा टू लेमडा स्क्वायर एम सी बाई टू एम सी लेमडा स्क्वायर बाई एच, तो ये वाला हो गया, यानी कि पहला वाला आपका आ गया, ठीक है। आपका एनर्जी निकाल दिए, काइनेटिक एनर्जी निकाल दिए, काइनेटिक एनर्जी निकाल दिया, यही एस सी बाई लेमडा नॉट होता है, ठीक है। तो ये लेमडा नॉट का वैल्यू वहीं से निकाल लिया, ठीक है। चलिए इसको उतारिए, ये हो गया। चलिए तो इससे एक्सरे रिलेटेड आपका जितना भी सवाल था वो खत्म हो गया, और सवाल को आप बनाइएगा, ठीक है। चलिए।